लोगों को नौकरी और रोजगार मिले। हम लोग तो यही ना चाहते थे। प्रक्रिया तो बीजेपी की, आप बताओ स्वास्थ्य विभाग में स्वास्थ्य मंत्री बीजेपी का था ना, क्यों नहीं कभी बोले कि 1.5 लाख नौकरी हम देंगे। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का जन्मदिन है और जन्मदिन के मौके पर बड़ा ऐलान किया है, लाखों की संख्या में नौकरी और रोजगार की जो व्यवस्था है वो बहुत जल्द करवाई जाएगी। तेजस्वी यादव ने इस बात का आज ऐलान जो है ज्ञान भवन में किया, मन से तो कहा ही, लेकिन आज जब मीडिया से उन्होंने बातचीत की तो जो लोग उनको जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं उनको शुक्रिया कहा, और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि आने वाले वक्त में बहुत जल्द ही लाखों की संख्या में बहाली करवाएंगे। भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जब भारतीय जनता पार्टी ने जो कह रही है कि बहाली उनके समय का निकाला हुआ है तो उसमें हम लोगों ने तेजी लाया है, वो प्रक्रिया धीन था उसको हमने तेजी करके आज हम नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। और उस वक्त उन्होंने क्या किया, उस वक्त नीतीश कुमार ने यह बहाली निकाला था, जब स्वास्थ्य विभाग में इतनी बहाली थी तो क्यों नहीं नौकरी दे रहे थे, इस तरह की बातें तेजस्वी यादव आज कह रहे हैं। किस तरीके से ऐलान किया है और क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते उस बयान। और मुझे पूरा भरोसा है कि कुछ दिनों बाद आप लोग सब लोगों को पता है एक बड़े आंकड़ों में, लाखों के आंकड़ों में लोगों को नौकरी और रोजगार मिले। हम लोग तो यही ना चाहते थे भाई कि जो देश में जो बेरोजगारी का हालात है, जहाँ बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, तो उस दिशा में हम लोग काम करें। तो हमारी सरकार मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस दिशा में पहली नहीं बल्कि गंभीरता से कदम उठा रही है और अंजाम दे रही है, और लगातार नियुक्ति पत्र वितरण जो है हम लोग कर रहे हैं उसी का नाम बिहार सरकार का देखा देखे अनुकरण जो है भारत सरकार कर रही है नियुक्ति पत्र। तो हम लोग भी अपने एजेंडे पे उनको लाए हैं और यही काम होना चाहिए, सब सरकार का दायित्व है। उसलिए तो आज हमने पूछा कि बिहार में तो नौकरियाँ हम लोग दे रहे हैं, रिक्त पदे भर रहे हैं, कितना खाली है ये भी बता दिए, लेकिन केंद्र सरकार में पूरे भारत सरकार में कितना खाली है, पद रिक्त है, जरा इसकी सूचना देनी चाहिए लोगों। आप नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, बीजेपी बोल रही है सब तो पहले से नियुक्त किया गया था, वही तेजस्वी बांट रहे हैं। कौन सा नियुक्त, कौन सा, जो अभी आप बांट रहे हैं वो पहले से आप अखबार खोलते हैं तो बहाली निकल रही नहीं निकल रही, और जो पहले से जो प्रक्रिया थी उस पर हम लोगों ने तेजी लाई और नियुक्ति पत्र डाल, यही तो फर्क है ना। जो लोग घर बैठे रहते थे, जिनको लोगों के रोजगार देने से कोई मतलब नहीं था, विलम्ब हुआ तो अपने ही आपको बोल रहे ना कि हमसे देरी हुई। जो लोग अगर कह भी रहे हैं उनका क्या देन है, वो तो बहाली उस समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रहे, लेकिन प्रक्रिया तो बीजेपी की, आप बताओ स्वास्थ्य विभाग में स्वास्थ्य मंत्री बीजेपी का था ना, क्यों नहीं कभी बोले कि 1.5 लाख नौकरी हम देंगे, हम ही आकर के क्यों बोल रहे, क्यों नहीं सभी पदों को भर दिया गया। 17 साल तक ना बीजेपी के पास स्वास्थ्य विभाग रहा भाई, नहीं है कि पॉल्यूशन जो है केवल बिहार में है, जितना दिल्ली में है या और मेट्रो सिटीज में है वहाँ हर जगह है, लेकिन हम लोगों की कोशिश है कि एयर क्वालिटी जो है वो कैसे बेहतर हो, इसमें सरकार के साथ साथ लोगों का भी योगदान की ज़रूरत है। तो जहाँ भी पोल्यूशन हो या साफ सफाई हो उस पर हम लोग, अब तो देखिएगा पटना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का साफ सफाई में रैंकिंग जो है 3-4 लेवल बढ़ा है, मतलब बेहतर हुआ है, तो इस दिशा में हम लोग फोकस कर रहे हैं। और अभी डेंगू की भी जो घटनाएं हैं वो कम हुई हैं, तो ये तो हम लोग काम कर रहे हैं, पहल कर रहे हैं, लेकिन पोल्यूशन सब लोगों को, ऑल काइंड ऑफ पोल्यूशन, नॉट जस्ट एयर पोल्यूशन,